नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाइपोकैल्शिमिया यानी कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है। एक नॉर्मल एडल्ट का कैल्शियम के लिए RDA यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है 1000 से 1200 मिलीग्राम पर डे, और यह डिपेंड करता है आपकी एज पर। यानी कि एक नॉर्मल एडल्ट को इतना कैल्शियम रोज अपनी डाइट में लेना चाहिए। ओल्ड एज में बढ़ती उम्र के साथ यानी आंतों से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है और हड्डियां कैल्शियम को लूज करना भी स्टार्ट कर देती है। अगर फीमेल्स की बात करें तो उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल ट्रीटमेंट और मेनोपॉज के बाद भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, और ये सब डिपेंड करता है हॉर्मोन्स की वजह से। अगर आपको किडनी की कोई बीमारी है या आपकी स्टमक की कोई सर्जरी हुई है तब भी आपको हाइपोकैल्शिमिया हो सकता है। कुछ दवाओं से भी कैल्शियम की कमी होती है, जैसे कि जो लोग थायराइड की दवाई ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या डायरेटिक्स जैसी मेडिसिंस लेते हैं तो उन लोगों में भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है। जिन लोगों को लैक्टोज इंट्रोलरेंस है यानी कि मिल्क एलर्जी है, वह दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोगों में भी कैल्शियम की कमी पाई जाती है। कुछ जेनेटिक बीमारियों में भी कैल्शियम की कमी पाई गई है जिनमें कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और हाइपोकैल्शिमिया अल्टीमेटली पेशेंट में डेवलप हो जाता है। और जब यह लक्षण लेकर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तब वह आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। डॉक्टर आपका डाइटरी पैटर्न भी पूछ सकते हैं और इसके बाद आपको कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी एडवाइज करे जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम लेवल्स देखे जाएंगे, आयनाइज्ड या फ्री कैल्शियम लेवल्स, विटामिन डी के लेवल्स, ये सब आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन में चेक करे जाते हैं। और इन ब्लड की जांचों के अलावा कई बार आपकी बोन डेंसिटी चेक करने के लिए आपका डेक्सा टेस्ट करा जाता है, जिसे डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शन मेट्री भी कहते हैं। इस टेस्ट से आपकी जो हड्डियां हैं वो अगर कैल्शियम लूज कर रही है तो उसका पता लगाया जाता है। अगर इस टेस्ट में आपकी बोन डेंसिटी कम आई है तो आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर ट्रीटमेंट रखना है और उनकी फॉलोअप में भी रहना है। अगर कैल्शियम की कमी माइल्ड है तो आप अपनी डाइट में कैल्शियम फूड लेकर इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। टेक केयर।